विराट कोहली ने अब तक के अपने टेस्ट करियर की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। अब आप कहेंगे कि जिस मैच में यहाँ पर विराट कोहली ने शतक लगाया है वहीं पर आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी की, जहाँ नंबर 4 पे अमूमन टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। वहां पर ईशान किशन आए और ईशान किशन ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, अर्धशतक जड़ा 33 गेंदों के अंदर और बहुत ही अच्छी तरह से बल्लेबाजी भी की, जो डिमांड थी उस वक्त वैसे ही प्रदर्शन किया। लेकिन बाद में ईशान किशन ने विराट कोहली को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। ईशान किशन के मुताबिक विराट कोहली वो खिलाड़ी थे जिन्होंने टीम मैनेजमेंट को बोला, राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा को बोला कि मैं नंबर 4 पर नहीं जाता हूं, आप ईशान किशन को भेजिए। ईशान किशन ने यह भी कहा कि मुझे विराट भाई ने एक बात बोली कि जो तुम्हारा नेचुरल गेम है उसको खेलना जाके और अच्छा प्रदर्शन करना। उन्होंने कहा कि विराट कोहली मुझे लगातार बैक करते हैं और हमने देखा है कि ईशान किशन को चाहे कप्तान रोहित शर्मा हो, कोच राहुल द्रविड़ हो या विराट कोहली हो, लगातार बैकिंग देते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताते हैं। और क्यों ना जताए भरोसा। अब देखिए, ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में आज पहली बार ऐसा लगा कि ऋषभ पंत की कमी नहीं खली। जिस तरीके की बल्लेबाजी ईशान किशन ने की, उन्होंने मात्र 33 गेंदों में यहाँ पर अर्धशतक लगा दिया, अब तक का सबसे सेकंड फास्टेस्ट यहाँ पर अर्धशतक रहा अगर भारतीय क्रिकेट के लिए बात की जाए टेस्ट फॉर्मेट में। नंबर 1 पे यहाँ पर ऋषभ पंत है जिन्होंने 28 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। नंबर 3 पे महेंद्र सिंह धोनी है जिन्होंने यहाँ पर 34 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी में दम तो है, तभी तो विराट कोहली रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी इसको बैक कर रहे और टीम इंडिया के लिए भविष्य में एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट ये साबित हो सकते हैं। अगर बात की जाए ईशान किशन की और जिस बल्ले से वो खेल रहे थे वो किसका बल्ला था, वो था ऋषभ पंत का बल्ला। कुर्बानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की सफल साबित हुई क्योंकि ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखते हैं यहाँ पर टीम इंडिया ये मुकाबला जीत पाती है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोज़ के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।